सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पाठ 14 परीलोक की सैर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन शाम को चंदा खेलकर अपने घर जा रही थी। उसने झाड़ियों के पीछे एक चमकदार चीज देखी। पास जाकर देखा तो पाया कि वह एक जादुई छड़ी थी। चंदा ने सोचा शायद किसी परी की छड़ी यही गिर गई है, मैं उसे वापस कर दूंगी। रात में जब घर के सभी लोग सो गए तो वह छड़ी लेकर छत पर गई। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, एक सुनहरी परी उसके सामने आ गई। परी अपनी छड़ी पाकर बहुत खुश हुई। उसने चंदा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? चंदा बोली, वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन यदि आप चाहती ही हैं तो मुझे परी लोग घुमा दीजिए। परी ने तुरंत अपने जैसे पंख चंदा को लगा दिए और चंदा परी के साथ परी लोक के लिए उड़ चली। चंदा ने देखा परी लोक तो बहुत सुंदर है, ना कहीं गंदगी और ना कहीं शोर। वहाँ हर जगह पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर फूल हैं। उसने सोचा हमारी धरती ऐसी क्यों नहीं है। घूमते घूमते सुबह हो गई। परी ने कहा, चंदा अब घर चलो। चंदा परी के साथ धरती की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वह सोचती रही कि धरती परी लोक जैसी कैसे बन सकती है। घर पहुंचकर उसने अपने घर को साफ रखने और खूब सारे पेड़ पौधे लगाने का प्रण किया। उसने पौधों को नुकसान पहुंचाना तथा फूलों को तोड़ना भी बंद कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी धरती को सुंदर और साफ बनाना चाहिए। इस तरह से आपका यह पाठ खत्म होता है।